सिंह खटड़ा ते सुलक्खण सिंह ते दो MLA किक्की ढिल्लों ते कुलबीर जीरा इन्हां दी 22 अक्तूबर दोपहरे 11 बजे तो लैके 11:30 बजे तो लैके 1:30 बजे तक गवर्नर की अनैक्सीज मीटिंग हुई। अनैक्सी च गवर्नर दी चे की ऑफेंस इन्हां ने कमिट किया ते की स्ट्रैटेजी उत्थे बनाई कि इलैक्शन आ रही है ते इलैक्शन आउण करके जिहड़ी गवर्नमेंट की एंटी इनकंबेंसी है उहनूं आपां किवें भन सकदे हैं ते उत्थे डिसीजन लै रहे ने कि सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं सैक्रिलेज वाले केस विच किसे ना किसे तरह अक्यूज्ड बनाया जावे। उस कॉन्सपरेसी नूं जे हुण तुहाडे नाल सामने खोलीए किवें बनी है कॉन्सपरेसी, अज तो तकरीबन 10 दिन पहला सरदार रणवीर सिंह खटड़ा दा बेटा जिहड़ा साडा हलका इंचार्ज सी पटियाला देहाती दा, उह अकाली दल तो रिजाइन करदा है। सरदार रणवीर सिंह खटड़ा एक रिटायर्ड IPS अफसर ने, ज्यादे सारी कॉन्सपरेसी दे ड्यूटी दिती गई खटड़ा साहब नूं कि इहनूं आपां किवें सिरे चाढ़ना है ते इहदे इहनां ने चाढ़न लई कीता कि एक रजिंदर कौर है मिमनसा, ये संगरूर दे नाल दे पिंड रहण वाली है, कांग्रेस दी वर्कर सी, कांग्रेस ने 2017 च टिकट नहीं दिती, छड के अकाली दल च आई, अकाली दल ने भदौर तो इहनूं टिकट देने जवाब दिता, ये मुड़ के कांग्रेस की झोली च गई। हुण ये कॉन्सपरेसी की है? देखो हैरानी की गल है कि कॉन्सपरेसी जिथे हैच हो रही है उहदे शमूलियत आ, देखो चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा, होम सैकटरी DGP ते परमार जिहड़ा सिट दा इंचार्ज है ते उदू बाद रिटायर्ड अफसर, जदके पुलिस रूल्स ये कहिंदे है कि जद भी कदे इनवैसटीगेशन हो रही होवे ओ इनवैसटीगेशन विच इनवैसटीगेटिंग अथॉरिटी तो बिना कोई भी बंदा इनफ्लुएंस नहीं कर सकता, इहदे जजमेंटां पासे छड्डो, ये पुलिस रूल ने। पर ये कॉन्सपरेसी हैच हो रही है ते उस कॉन्सपरेसी लई जिम्मेवारी कौन लै रहे ने? सिट दे नाल नाल खटड़ा साहब। ते बयान कराउण दा की फैसला हुंदा है कि रजिंदर कौर बयान देऊगी? वो कहिंदे जी बयान जे उहदे इन्ने साल बाद करावांगे, 15 दा वाकया 2021 च करावांगे, तां बयान कराउण दी थां इहदी प्रैस कॉन्फ्रेंस करा दांगे पहलां, फिर इह प्रैस कॉन्फ्रेंस चो टैलीफोन करूगी DGP नूं कि तेरा मेरा हुण भी परचा दर्ज कर दिओ कि मेरा बयान लिख दिओ कि नहीं लिखदे। बयान की कहाउणा चाहुंदे है कि सुखबीर सिंह बादल दे मैं कोठी गई बादल पिंड, तरीक नहीं कोई दसनी उहने, उह जद उहनां ने कहा ना कि तरीक कहिंदे रसानी कह दो, 2017 तो पहलां गई, उत्थे कुछ 3 बंदे किसे डेरे नाल संबंधित बैठे सी, मैनू देख के सुखबीर सिंह बादल ने उन्होंने कहा कि तुसीं इत्थे की करने हो, भज जाओ, ते उह बंदे ग्रंबल करदे उत्थों चले गए कि जद तुहानूं साडी लोड़ सी उदों तां साडी बड़ी सेवा कीती, हुण सानूं भजाता। कहिंदी जद फिर 2017 च सरकार बनी ते मैं सुखबीर सिंह बादल दी कोठी फेर गई ते उही बंदे उत्थे बैठे ते मैं ओवरहेयर कीता कि सुखबीर सिंह बादल कह रहे ने कि सरकार भी अपनी होई है, तुहाडा कख नहीं विगड़न दिंदी। देखो किड्डी घटिया किड्डी कोझी इस गल विच, मैं समझदा कि एदू घटिया राजनीति एदू घटिया तब्दीश नहीं हो सकती जिहदे विच चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, DGP, होम सैकटरी, APS दियोल, AG, सिट का इंचार्ज परमार मुखविंदर सिंह ते रिटायर अफसर खटड़ा साहब ते सोल जेड़े आ उस कॉन्सपरेसी विच शामिल होए। ते उदू दुख की गल की है कि यह कॉन्सपरेसी रची कित्थे जा रही है? कॉन्सपरेसी रची जा रही है ये जिहड़ी गवर्नर हाउस का गैसट हाउस आ नैक्सी,
असी अज गवर्नर साहब नू भी यह मिल रहे हैं कि गवर्नर साहब यह कॉन्स्टिट्यूशनल हैड की रेजिडेंस है, इत्थे कॉन्सपरेसी नहीं। सानू 22 अक्तूबर की सीसी कैमरिया की रिकॉर्डिंग दिओ कि तुहाडे इत्थे गैस्ट हाउस कौन कौन बंदे आए, किन्नी किन्नी देर रहे, तो उन्होंने इस काम लई दिता क्यों गया है गवर्नर हाउस। गवर्नर हाउस में कॉन्सपरेसी होवे, मैं एक गल गरंटी नाल कह सकदा अपने वकालत के तजर्बे तो कि सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं उहो षडयंत्र रच के एक कॉन्सपरेसी रच के तो घेरना चाहते हैं। पर मैं चन्नी साहब एक गल गरंटी नाल कहना कि सुखबीर सिंह बादल नूं तुसीं नहीं घेर सकना, पर तुसीं इहदे चों बच नहीं सकना। तुहाडा जिहड़ा हुण एविडेंस साढ़े कोल साढ़े सोर्सिस तो आ गया है कि यह कॉन्सपरेसी करदिया होया हैड तुसीं हैड कीता, तुसीं कीता। देखो एडा मतलब हाल इन्हों का घटिया बनता चले गया। एक एक सैकंड की साडे को रिपोर्ट आ गई। हुण ये कहिंदे आ गल बेदबी की है, एदू वड्डी बेदबी की होगी कि बेदबी दे केस विच झूठा केस बना के पोलीटिकल लाहा लैण चाहुंदे आ। मैं समझदा कि इन्हां नूं तां समझ ही है नहीं। सियाणा कहिंदे आ सियाणा जे होवे ते पिछले तजर्बियां तों सिख जांदा है। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने एक बारी नहीं अनेक बारा कहा कि जिन्हें कीती जिन्हें कराई तो जिन्हें राजनीति की उहदा कख ना रवे आ। तुसीं कैप्टन तो काम शुरू हो गया ना, कल इस कराउण वाली विकट लास्ट सुखपाल खहरे की होगी। देख लिया ना कि रब दियां चक्कियां पींदियां बरीक ने पर पींदियां हौली ने। चन्नी जी तुसीं भी इस घेरे च आओगे जब बेदबी ते राजनीति करोगे। मैं हैरान है कि 2015 का इस बीबी नूं पता है, सोशल वर्कर कहाउण वाली ये बीबी, एक सरकारी मुलाजम की घर वाली बीबी, कांग्रेस की एक्टिव मैंबर, कांग्रेस की टिकट मंगण वाली, फिर 2017 विच आजाद लड़न वाली, कहिंदी मैनूं हुण पता कवें लग्या कि यह काम ए चल रहा बेदबी वाले केस। मैं सोशल मीडिया के अखबारों च पढ़िया बीबी जी आपां सुते पए सी। नाले ए फैक्ट है, ये रिकॉर्ड है कि ये तीन बंदे जिन्हों का जिक्र कर दी आ, तीन पीओ कदों डिकलेयर हुए 2020 विच। ते मैं एक गल पुछनी चाहना, खट्टड़ा साहब मेरे बड़े परम मित्र ने, बड़े मेरे दोस्त रहे ने, ते मैं ता उन्हां तों इहो जी उम्मीद नहीं सी रखदा कि इन्नी नीवी जाणगे वो इस गल लई सरकार दी झोली च पैणगे कि तुसीं तां ज़्यादे दी तब्दीश कीती, तुसीं चलान पेश कीता, तुहाडियां तीन नहीं चार नहीं पंज इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ते इंटरव्यू होईयां ने। तुसीं इंटरव्यूआं च कहा कि ना मेरी पिछली सरकार ने ना मौजूदा सरकार ने जिहदे च कैप्टन सरकार सी कांग्रेस की सरकार सी, मेरी वर्किंग च किसी ने दखल नहीं दिता। हुण अज इन्हां नूं लोड़ क्यों पैगी जद हर पासे फेलर हो गया, हर पासे फेलर हो गया कि गौरमेंट नूं किसे पासे हथ ना दिखिया, ते हुण उह इस गल ते आ गए। हुण एक गल मैं जरूर होर पुछनी चाहुंदा कि इस सीट विच जिहड़े मैंबर ने डी जी पी साहब, खट्टड़ा साहब, कि तुसीं तां खट्टड़ा साहब उस वेले डी आई जी सीगे जद फायरिंग हुई है ते बेद भी हुई है, तुसीं इह गल्लां उस वेले क्यों ना जांच कीतियां, तुसीं उस वेले क्यों नहीं कनैक्ट कीतियां, तुसीं अपनी किस जिमनी च किसे च क्यों नहीं पाया। इहदा मतलब उदों डिसऑनैसट इनवैसटीगेशन सी कि हुण डिसऑनैसट इनवैसटीगेशन है। हुण गल इह है कि देखणा इन्हां ने ना, मैं हैरान हां, कदे अज तक नहीं इह देखिया कोर्ट दे फैसले जिहड़े तुहानूं पता कमर विजय वाले उह बाद च प्रेस साहब ते डाक्टर साहब दसणगे। उन्होंने कहा कि जिहड़ी सिट इनवैसटीगेट करती है उहदे ते किसे दा इनफ्लुएंस नहीं चाहिए, नॉट ईवन उस जॉब विच जिहदे च पुलिस जॉब करनी है उहदे बॉस का भी नहीं दखल चाहिए। तो इत्थे हो की रहा जद उहदा साथ दा बयान लिखण जा रहा सुनारिया जेल च, सिट सीएम नूं मिल के जा रही है, जद सिट उत्थों बयान रिकॉर्ड करके आ रही है सीएम नूं मिल रही है। मैं मंग करूँगा तुहाडे राही कि तुहानूं इह भन्नण दा एविडेंस बड़ा शौक आ, तुसीं डॉक्यूमेंट भी क्रिएट करदे हो, तुसीं झूठ भी बोलदे हो, तुसीं फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी करोगे कि ये जिहड़े बयान उस तुसीं बाबे दे उत्थे लिख के लियाओ, रिकॉर्ड करके लियाओ, तुसीं पब्लिक करो।
कि उन्हें तुसी की सवाल पूछे तो उन्हें की जवाब दिते, क्योंकि नहीं है किसी तरह का ये बीबी के बयान फिर पा देंगे रजिंदर कौर दे। मैं एक गल कह के अपना माइक प्रेस साहब नूं देऊंगा कि सिद्धू साहब, चरणजीत चन्नी दो ही मैटर करते हैं, नतीजा आह होम मिनिस्टर, ये बयान कदों दे रहे हैं सरकार बनने तो बाद। सिद्धू तां रुस गया इस गल ते कि जे तुसी बादल ना फड़े, जे तुसी बिक्रम मजीठिया ने फड़िया, मैं पार्टी तो इस्तीफा दे जूं। उदू बाद फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, उदू बाद किसी सिट तो इंसाफ की तवक्को रखी जा सकती है, जवाब नहीं। फिर चन्नी की बोलता है, सुखजिंदर रंधावा की बोलता है, कांग्रेसी की बोलते हैं कि थोड़े दिन भी तुसी देखोगे। मैं उन्होंने कहना सरदारो, देखोगे तुसी थोड़े दिन बाद, जिस दिन ये एविडेंस की फैब्रिकेशन हुई, जिस दिन यह तुसी उहदे बीबी के बयान लिखे, इन्हों ने तो इन्हों दियां लत्तां ने भार नहीं चलना। मैं अफसरां नूं भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि तुसी मेन कॉन्सपिरेटर होंगे, ये तो तुहाडे नाल एसोसीएट कॉन्सपिरेटर होंगे, चीफ मिनिस्टर ते सुखी रंधावा ते दूसरे सिद्धू भी ये तो मार तो बच नहीं सकता। मैं कहना है कि जे वो बंदियां नूं मिलन नाल सुखबीर सिंह बादल दोषी बनता है तो ये कांग्रेस वाले दोषी क्यों नहीं जी, जिहड़ा सिद्धू जाके उत्थे मत्थे टेकदा है, जिहड़ी पार्टी दे विच उस पार्ट उस बाबे दा कुड़म है। तो मैनू एक हो जिहड़ा तो होर भी गल पुछदा कि ये तो तीन पीओ होए वीच, जिहड़े पीओ मौड़ केस च होए होए है उन्हां बारे भी बीबी तो बयान लिखा लो, कोई उहदे च क्यों नहीं फड़दे पए? फड़दे क्यों नहीं पए? क्योंकि ये इंसाफ दवाउण च इंट्रस्टिड नहीं, ये गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी के दोषी लभण च इंट्रस्टिड नहीं, ये केवल तो केवल ये घटिया राजनीति करनी चाहते हैं। मैं एक गल आखिर तुहाडे ध्यान जरूर लाउणी चाहुंदा, जिस वेले कांग्रेस सरकार दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सी, इन्होंने मता पाता कि असी CBI तो जांच वापस लैने, फिर इन्होंने CBI तो जांच वापस लैण लई क्यों कार्रवाई नहीं की जी, क्यों नहीं की? बल्कि उहदे उल्ट प्रबोध चंद्र इन्हां दा जिहड़ा DG इन्वेस्टिगेशन सी ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਫੋਰਨ ਲਿੰਕਸ ਨੇ, ISI ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਟੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ADGP ਅਤੇ DC ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਦਵਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਤਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਸਟੈਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਉੱਥੋਂ CBI ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਦਬੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 2002 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ, ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਕਿ ਵਾਈਫ ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਪ ਟੈਕਟਿਕਸ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਲ ਨੋਟ ਕਮ ਟੂ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ।
अकाली दल नोज हाउ टू सरवाइव, अकाली दल दे कोल लत्तां भार चलदियां ने, अकाली दल नूं तुसीं इहो जिहे गिद्दड़ भपकियां मार के रजिंदर कौर दे बयान करा के सरदार सुखबीर सिंह नूं जे दोषी बना लोगे तां कल नूं बयान चन्नी जी तुहाडे खिलाफ ते सुखजिंदर सिंह रंधावे दे खिलाफ भी बड़े आ जाणगे। मैं एक गल होर जरूर पुछनी चाहुंदा सुखजिंदर सिंह रंधावे नूं ते चन्नी नूं सिद्धी। चन्नी जी, उह बीबी दे बयान ते जिहड़ी डिसक्रेडिटेड बयान होणगे जे तुसीं किराए ते जद किराए कार्रवाई करोगे, तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ऑन टैलीविजन आया, ऑन रिकॉर्ड है, उहदियां वीडियो क्लिपिंग सारियां इलैक्ट्रॉनिक मीडिया च है, जिन्हें कहा कि साड़ी पहली गौरमेंट जिहदे च मैं भी मिनिस्टर सी ते चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह सी, बैग आउंदे सी तां होम डिपार्टमेंट च बदलियां हुंदियां सी। मैं डी जी पी साहब तुहानू भी पुछदा, स्टेट का होम मिनिस्टर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बारे स्टेटमेंट दे रहा है, तो पंजाब की पुलिस सुती क्यों पई है, वो केस रजिस्टर करके तफ्तीश क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वो बैटर तो कॉन्सपिरेटर सुखजिंदर सिंह रंधावा भी बनूगा ना। सुखजिंदर सिंह रंधावा इस गल का दोषी नहीं बनूगा कि जब उन्होंने पता सी कि टैची केस आते हैं, टैची केसा च पैसे आते हैं, तो पैसों के सिर पर बदलियां होंदिया ने, तो वाई ही कैप्ट साइलेंट। यदा मुआवजा, यदा खिमियाजा सुखजिंदर सिंह रंधावे नूं भी भुगतना पऊगा। सो मैं ये गल्लां कह के मैं एक गल जरूर कहनी चाहुंदा कि जे तुसीं ईमानदार हुंदे, है नहीं, मैं कहना ही नहीं ईमानदार, तो जो अकाली दल शुरू दा मंग कर रहा है कि ये इन्ना इमोशनल, इन्ना सीनियर, इन्ना सेंसिटिव भावनक मामला है, इहदी सुपरविजन सिटिंग जज हाई कोर्ट करदा ताकि किसी लॉजिकल कंकलूजन दे पहुंचदी, पंजाब दे लोक नहीं समुची दुनिया विच जिहड़े मनुखता नूं प्यार करदे ने उह लोक सारे उम्मीद रखदे सी किसे ना किसे दिन गुरु साहब की बेदबी दे दोषी कटहरे च खड़े किए जाणगे। पर दुख यह है कि राजनीति भी खेडी ते राजनीति भी इन्नी घटिया खेडी कि चीफ मिनिस्टर की हाजरी च गवाह झूठे तैयार करन दा फैसला सिट दे चेयरमैन ते डी जी पी ते होम सैकटरी ते होम मिनिस्टर की हाजरी च रल के सारे फैसला कर रहे हैं, इन्हां दे नतीजे इन्हां नूं भुगतने पैणगे, एंड दे विल बी गिल्टी ऑफ कॉन्सपिरेटर्स ऑफ फैब्रिकेटिंग एविडेंस, क्रिएटिंग एविडेंस विच दे नो इज नॉट ट्रू इज ए वेरी सीरियस ऑफेंस। ये आउण वालियां सरकारां इन्हां नूं इस गल लई जवाब मंगणगियां ते इन्हां नूं कटहरे च खड़ के जवाब देने पैणगे। हुण प्रेस साहब तुहाडे नाल गल करो। एक डूंगी साजिश जिहड़ी भेद भरी कहानी गरियाल साहब ने तुहानूं दसी आ, इह तों कई गल्लां स्पष्ट हो रही ने। पहली गल, असीं एक बारी नहीं अनेकां बारी कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी वर्गी पवित्र सत्कारयोग साढ़े महान गुरु दी जो बेअदबी हुई आ उहदा असीं सच लभना चाहुंदे, सच लभ के जिहड़े गिल्टी ने उहनां नूं सज़ा देण दे विच हर बंदे दी भावना इस नाल जुड़ी हुई आ। सानूं दुख इस गल दा, पहलां तां बादल साहब की सरकार समय सच लभण विच इन्हां लोकां ने रुकावटां खड़ियां कीतियां, केवल राजसी लाहे लैण लई बयानबाजी करके उस सच नूं लुकाउण दे यतन कीते गए। साडी उस समय दी सरकार ते दबाव पा के जिहड़ी इनकुआरी आ CBI तक देण लई मजबूर कीता, ते सरकार बदल गई, फिर CBI तो लैके अपनी राजसी साजिश नूं सफल कर लई फिर यतन होए पर उहदे विच भी सफल ना हो सके, अदालतां ने नोट्स लए ते हुण जिस थां ते पहुंचे ने, मतलब यह एक बड़ी वड्डी चुनौती भी आ, गंभीरता मसला है, और दुख है इस गल दा कि इस महान पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी ते किवें राजसी रोटियां सेकण लई उतावले होए पए ने कांग्रेसी, ये साडे मना ते बहुत वड्डी ठेस आ, बहुत वड्डी सानूं दुख है इस गल दा, क्योंकि असीं इहदे विच सच लभना चाहुंदे आ।
और गुनाहगारां नूं असीं कटहरे च खड़े करके सज़ा देना चाहुंदे आ, पर ये राजसी लाहे लैण दे चक्कर विच लगे होए ने। आ जिहड़ी कॉन्सपीरेसी का जिक्र किया, भेद भरी कहानी जिवें कहिंदे आ पाप नूं मोरी रह जांदी आ, जिवें किसी ने कहा लुक लुक लाइयां प्रगट होईयां बज गए ढोल नगारे, ये जिहड़ियां लोके सासियां रचियां ਉਹ ਹੁਣ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਤਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ, ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਕੇ ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਝੂਠ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਆ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਟੇਪ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਾ ਕੇਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਟੇਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਚਤਾਈ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂਪਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ
मतलब नीवी पद्धर ते जाके झूठे केसा विच इंटैंगल कर दी जिहड़ी साजिश आ उह जिहड़ी इह सामने आ रही आ। असीं इहनूं माणयोग गवर्नर पंजाब नूं मिल के भी उहनां तों मंग करांगे कि तुहाडे घर विच आ जिहड़ी साजिश होई आ इहदे बारे उह स्पष्टीकरण देण ते नोट्स लैण। असीं अदालतां दा कुंडा भी खड़कावांगे और जिहड़ा साडा पोलीटिकल सिस्टम आ साडियां संस्थावां ने असीं उहनां विच भी अपनी श्रोमणी अकाली दल गल रखेगा। पर आह जिहड़ियां साजिशां दा दौर आ इह हुण समझ लो वी भेत खुल्लण नाल सच्चाई सामने आउण नाल इह हुण नंगा हो गया। हुण इह सफल नहीं हो सकेगा और ना असीं होण दवांगे। कानूनी तौर ते भी पोलीटिकल तौर ते भी असीं इहदी पैरवाई करांगे। थैंक यू जी। मैं टाइम मंगिया सी जदों भी उन्होंने टाइम दिता उदों ही जावांगे ते स्पीकर साहब नूं असीं प्रिविलेज दी भेजती लैटर ते उह भी असीं नोट्स लवांगे। और अफसर साहिबान नूं असीं जरूर कहना चाहुंदे आ कि थोड़ी देर दी सरकार आ इह सरकार दे इस तरह हथ चुके ना बढ़न सिस्टम नूं बचाउण। अज जाणी सब तों वड्डी चिंता इह आ कि साडा सिस्टम कलैप्स हो गया। साडे सिस्टम ते बहुत वड्डा सवाल खड़ा करता। अज सानूं सारिआं नूं एक पंजाबीयत होण दे नाते पंजाब दे सही वारस होण दे नाते सानूं इह जिहड़ा सिस्टम ते सवालिया चिन्ह खड़ा किया इहनूं बचाउण दी लोड़ आ। और बचाउण दे विच सच दे नाल खड़ना पएगा झूठ दा विरोध करना पएगा तां पंजाब बच सकेगा। जी मां साहब देखो गल इह है कि गरेवाल साहब ने जिहड़ा खुलासा किया उहनूं देख के हर बंदे दे लूं कंडे खड़े हो जांदे आ कि एक तां जिहड़े क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी करन वाले कौन आ जिन्हां दे उत्ते जिम्मेवारी है सूबे नूं चलाउण दी सूबे दे लोकां नूं इंसाफ देण दी लॉ एंड आर्डर नूं कायम करन दी। ओह जिहड़े दोने व्यक्ति है ओह खुद लीड कर रहे आ मुख्यमंत्री भी ते गृह मंत्री भी इस क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी नूं और अफसरां नूं सारिआं नूं उहदा हिस्सा बना रहे। बेअदबी अपने आप दे विच जिहड़ा बहुत ही मैं समझदा कि घिनौना काम है पर बेअदबी दे जिहड़ा मसला है इहदी जांच नूं सियासी हितां वास्ते वरतना इह उस तों वी घटिया साजिश है उस तों वी घिनौनी गल है। क्योंकि अगर इह सरकार इमानदार हुंदी अगर पहली जिहड़ी जांच इन्हां ने बिठाई सी कुंवर विजय प्रताप ने जिन्हें बड़े वड्डे दावे कीते सी हुण तां हाईकोर्ट की जजमेंट आ गई और सारा जिहड़ा उहदी कॉन्सपिरेसी सी उह कुंवर विजय प्रताप की और उस वेले भी जिहड़ी मौजूदा उस वेले की सरकार है सारे मुख्यमंत्री गृह मंत्री उदों भी सारिआं दी उन्हें कोई भुलेखा नहीं रहन दिता। लेकिन किड्डा वड्डा नुकसान होया कि चार साल वह जांच राजनीतिक परपज वास्ते वरती गई तो एंड रिजल्ट की होया कि हाई कोर्ट ने पहली बारी इतिहास के विच कि सारी दी सारी जांच जिहड़ी आ रद्द की जिहड़ा अफसर सी एस आई टी दे विचों उहनूं बाहर कढ़िया उस अफसर नूं भी अखीर दे उत्ते जदों अपने आप नूं डिफेंड नहीं कर सकिया तो उहनूं लग्या कि मेरे उत्ते कोई वड्डा एक्शन आ सकदा ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਚੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਂਸਪਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ।
कि इस लैवल दे उत्ते भी बंदा सोच सकदा कि इस लैवल दे उत्ते भी इस तरह दियां घटिया हरकतां वड्डियां साजिशां सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल करने वास्ते वरतियां जाणगियां। मैं ना अफसरां नूं भी कहना चाहुंदा खट्टर साहब नूं कि बड़ी नौकरी कर ली, हुण की है कि कमीशन की कोई होर पोस्ट के पिछे इस लैवल तक जिहड़ा तुसीं जाओगे। यही खट्टड़ा साहब है जिन्होंने हाई कोर्ट ने रिमूव किया ते नवे मैंबर जज दे विच लगाए, ते जिस व्यक्ति नू हाई कोर्ट ही रिमूव कर रही है जिन्हां नू उन्हां नू तुसीं बुला के नवी सीट दे नाल फिर जोड़ रहे हो, इहदा मतलब तुसीं अपनी सूई उत्थे रखनी चाहुंदे कि जे अदालत ने फैसला कर दिता कि जांच दी जिहड़ी है निरपक्ष रहे, किसे अफसर नू चेंज किया जाता ते नाल दी नाल तुसीं जिहड़ी हैगी आ फिर उस अफसर नू सीक्रेट जगह दे उत्ते बुला के ते नवी टीम दे नाल जोड़ के फिर उही प्रभाव देना चाहते हो। ये जड़ी है मैं समझदा कि बहुत वड्डी साजिश बेनकाब हुई है, इस करके गवर्नर साहब नू असी मिलांगे, हुणे असी टाइम मंग रहे हैं, डिक्टी रूप दे विच भी देंगे क्योंकि सारी जड़ी वो जगह हैगी है वो CCTV दे उत्ते जड़ी है कवरेज उत्ते, इस करके मीडिया नू भी असी बेनती करते हैं कि तुसी भी हिम्मत करो क्योंकि ये जड़ा मसला बहुत गंभीर है, लोगों दियां आसां इस पासे लगियां हुई हैं कि इंसाफ मिले, पर ये लोग की कर रहे हैं इन्हां नू एक्सपोज करना जड़ा ये मैं समझदा बहुत वड्डी समय की लोड़ है। मैं तुहानू भी बेनती करदा कि असी तां अपने वल्लों सारे तत्थ तुहाडे सामने भी रखे आ, होर भी लोड़ पई सबूत तां होर भी देंगे, ये भज्जन नहीं देंगे इन्हां नू, ये पता लगेगा पहली बारी भी इन्हां नू मुख्यमंत्री साहब नू भी ते गृह मंत्री नू भी कि ये भी कानून तो वड्डे नहीं, इन्हां दे उत्ते भी एक्शन हो सकदा, ये चीज़ इन्हां नू एक दिन जिहड़ा लाइव जरूर इस गल दा होगा। लेकिन मैं तुहानू भी बेनती करदा कि ये तत्थ क्योंकि ये धार्मिक मसला आ उहदे उत्ते इन्नी गंदी राजनीति हुई है, पहलां जज साहब ने बड़ा वड्डा रोल प्ले किया ये सारी कॉन्सपरेसी नू जिहड़ा एक्सपोज किया अपनी जजमेंट दे विच, और हुण मैं मीडिया नू भी बेनती करदा कि तुहानू भी ये सारे जिहड़े लोकां तक पहुँचाउण दे विच सही तत्थ तुहानू आप भी खोज करनी चाहीदी क्योंकि असीं टाइम भी देता डेट भी देती जगह भी देती, इस करके तुहाडे कोल भी बड़े साधन ने, तुसीं ये सारी इनफॉर्मेशन नू वेरीफाई करो, कल्ला कल्ला जिहड़ा हैगा असीं नाल तुहानू उत्थे की होया वह भी दसदा, इस तों वध किसी मीटिंग की इनफॉर्मेशन जिहड़ी आ वह की हो सकती है, ये तो कुदरती बख्शिश कर रही है कि कोई ना कोई विच जिहड़ा इहो जिहा आ जांदा कि जिहड़ा सच्चाई दे उत्ते फिर भी पहरा दे दिंदा, इस करके मैं तुहानूं भी बेनती करदा कि इहदे पासे तुसीं जरूर ध्यान दिओ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਊਗਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਅਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ CC ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਲਈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ 22 ਤਰੀਕ 11:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਕਾਪੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ, CM ਚੰਨੀ, ਡਿਪਟੀ CM ਰੰਧਾਵਾ, DGP ਸਹੋਤਾ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, AG APS ਦਿਓਲ, ਸਿੱਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਾਰ, SFPS ਪਰਮਾਰ, AIG RS ਸੋਹਲ, SSP ਬਟਾਲਾ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, DSP ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, IG ਰਿਟਾਇਰ RS ਖੱਟੜਾ, DSP ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ, MLA ਕਿੱਕੀ ਅਤੇ MLA ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ 11:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। RTI 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੜੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜੂ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
इन्हां ने तीन बंदे उत्थे रिटायर बुलाए, तीन सोहल, उदू बाद रिटायर्ड सुलखण सिंह ते मिस्टर खटड़ा। ते खटड़ा साहब नूं इन्हां ने कहा कि क्योंकि तुहानूं अज बहुत ही गल नहीं दसना चाहते, होर भी दसांगे बाद च कि ये प्रैशर क्यों पाया गया खटड़ा साहब ते, ये भी तुहानूं दसांगे, आ जाणी है साडे कोल कंप्लीट इनफॉर्मेशन कि तुहानूं दो राह ने, एक कोटकपुरा फायरिंग च मुलजम बनन दा, एक अहुदा लैण दा। देखो मैं एक बड़ा सवाल सिंपल करदा खटड़ा साहब, जद तुसीं सिट च इनवैसटीगेशन कर रहे सी उदों तुहाडा बेटा सतवीर सिंह खटड़ा साडी पार्टी दा हलका इंचार्ज सी पटियाला रूरल दा, जे तुहानूं इह लगदा सी कि तुहाडे बेटे दा अकाली पॉलिटिक्स च इनवॉल्व होना उहनां दे लई फेयर नहीं गा कि उह सिट च हैड कर रहे ने, वह कॉन्टीन्यू करन, तां बेटे नूं उदों अकाली दल तो रिजाइन करवाउणा चाहीदा सी। जिहड़ा इस मीटिंग तो तुसीं दो दिन पहला रिजाइन करवाने हो, इहदी गल लोकां नूं दसणी पऊगी कि टिकट कित्थों दी दा प्रोमिस कीता कांग्रेस ने। दो चीज़ां प्रोमिस कीतियां ने खटड़ा साहब नूं, किते राइट टू इनफॉर्मेशन कमीशन जां कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जिहदे नाल उह 65 साल तक रह सकण, जां ह्यूमन राइट्स कोई पोस्ट खाली होवे तां 70 साल तक रह सकण, ते बेटे नूं टिकट। ये गल्लां सारियां खटड़ा साहब, देखो मेरे तां बहुत मित्र ने, ते मैनूं यकीन आ कि उह लै दे के जिन्ने मर्जी कांग्रेस उन्हां नूं डिक्के च आए सच बोलणगे, उह उन्हां नूं दसणा पऊ क्योंकि संत सेवी भी हैगे ने, कि इन्ना उन्हां नूं की मजबूरी सीगी कि उन्हां नूं इस पाप दा भागीदार बनना पिया। चलो की सवाल है जी थोड़ा, रिपीट करियो। यही तो हमने गरेवाल साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा सी कि यह हूँ जाके उत्थे जेल दे विचों बाबे दा बयान लैके आए उन्हें पब्लिक कर, इन्होंने अज हाई कोर्ट च किया क्यों नहीं? चार हफ्ते का समा किस वास्ते मंग रहे? यही असी ताई तो असं कहने कि असं तो चाहते कि पब्लिक करो, दोबारा जाके आए हो, बयान लैके आए हो, तुसी सारिया चीजा ट्रांसपेरेंसी रखो, कोर्ट के विच पुटअप करो, पुटअप क्यों नहीं हो रहे? नहीं इहदा तां मैं जवाब दिंदा तुहानूं, पहला शुरुआत मैं कीती सी वी इह जिहड़े राज इहदे च उस समें दी सरकार इमानदारी नाल सच लभणा चाहुंदी सी, इमानदारी नाल जिहड़े दोषियां नूं कटहरे खड़ा करना चाहुंदी सी, सज़ा देना चाहुंदी सी, नाल साडा इह वी सी वी कोई निर्दोषा ना किस तरह फस जाए। वो जदों साडी उह चल रही सी सारी गतिविधि, उहदे विच इन्हां ने रुकावटां खड़ियां कीतियां, केवल राजसी लाहे लैण लई, राजसी लाहे जिहड़े की लैना चाहते सी वह हुण जग जाहिर हो गए, जिहड़ी तुहानूं डिटेल दित्ती आ। मतलब जे सही महीनियां विच उदों भी इस मंदभागी घटनावां ते मर राजसी लाहे लैण दे चक्कर विच लोग ना हुंदे तां सच्चाई उदों ही निकल आउणी सी। असलियत इह आ वी इहदे च राजसी रोटियां सेकण दे चक्कर च लगे होए ने लोग, इस करके इह लमक गई गल। देखो ये गल्लां वखरियां ने, पर एक गल तो क्लीयर है ना भी रुकावटां तो इन्होंने उदों खड़ियां कीतियां, बादल सरकार ते कहता जी भी सानू ये सरकार ते भरोसा नहीं, CBI कोल जावे, तो फिर उस CBI तो वापस लैण की गल करती, ये तो अदालतां ने फिर दाखल दिता, कुदरती तौर पर फिर अदालतां चुप नहीं बैठ सकदियां, तां करके ते हुण अदालतां तो भी ओवर पावर कर रहे ने। देखो आप ही थानेदार बन गए, आप ही जज बन गए, मतलब जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं भी अदालतों ने की फैसला सुनाना, ये तो अजे समा दसेगा, ये पहले ही सुनाई जाने, मतलब ये सारा कुछ तो पिछे जिहड़ा इन्हां नूं दौड़ लगी भी है ना भी असीं इहदे चों कीवें फायदा लईए अपना पोलिटिकल, वो सारा लमकण दा इस मसले दे विच कारण बन रहा। मैं एक गल है जिहड़ी तुहाडा सवाल है उहदे जवाब च होर तुहानूं दसना चाहुंदा है कि सिद्धू ने कहा अपने बयान च नवजोत सिंह ने कि तुसी DGP वो लाता जी ने क्लीन चिट दिती है सुखबीर सिंह बादल नूं, ठीक है ना, ते इस DGP ने सिट दा इंचार्ज सी जद इह CBI कोल गई है इनकुआरी, इहदियां तुहाडे कोल वीडियो क्लिपिंग भी हैगियां ने, उदों ADG सी भी हुण DGP है, हुण एक तां पहला ADGP साहब इह क्लीयर करन
कि जिहड़ियां उदों उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंसा कीतियां वह सही सी कि जो हुण कॉन्सपिरेसी कर रहे ये सही है। जे वह सही नहीं सी तो 5 साल हो गए कांग्रेस की सरकार तो उन्होंने उदों ओपन क्यों नहीं किया, तो जो सही सी तो हुण ये कॉन्सपिरेसी क्यों रच रहे हैं। दूसरा सवाल खट्टड़ा साहब नूं कि जद वह डेरे वाले मुलजमान ने रिट पाई कि रणबीर सिंह खट्टड़ा तो सानू जस्टिस की उम्मीद नहीं, हाई कोर्ट ने हटाता सिट तो ठीक है जी, तो प्रभार लाता हैड इस गल का, तो हुण रणबीर सिंह खट्टड़ा नूं ये नहीं सी कहना चाहिए कि जनाब मैं इस किसी की मीटिंग च नहीं आना इस इनवैसटीगेशन क्योंकि मैनू तो हाई कोर्ट ने पासे करता। एक सवाल तो हुण देखो उदों तां साडे तुसीं आ जिहड़ा गल कही आ ना उहदा तुहानूं जवाब देण लगा कि तुसीं कहना प्रेस साहब कि तुहाडे बंदे चले गए, परचा रजिस्टर होने तो बाद ADGP सोहते की इंटायरम रिपोर्ट आने तो बाद कुल 23 दिन का फर्क है, 23 दिन बाद इनकुआरी CBI को चले गई सी। सवाल का जवाब तो हुण कांग्रेस सरकार देवे कि जब 2 साल पहला इन्होंने विधानसभा विच पास करता सी कि CBI तो वापस लेना, इन्होंने जिन्ना चिर कलोजर रिपोर्ट उन्होंने नहीं दिती उदू पहला वापस क्यों नहीं लिया। फिर दूसरी गल जेड़ा कलोजर रिपोर्ट वाले जज ने ऑर्डर किया कि जेड़ी तब्दीश होण कर रही है सिट वो CBI वालों की इनवैसटीगेशन नू अखो परोखे नहीं कर सकती, वह भी फाइल दे नाल लाउणा पऊगा। पंजाब दी सरकार उस फैसले दे उल्ट उपर हायर कोर्ट च क्यों नहीं गई, क्यों? क्योंकि रले हुए ने चोर ते चौकीदार, चोर ते चौकीदार रले हुए ने, वो चाहते नहीं कि सही मुलजम कटहरे खड़े किए जाण, दोषी लियाए जाण, उन्हां नू बचाउण दे लई जिहड़ी CBI दी रिपोर्ट उन्हां नू कलोजर रिपोर्ट ऑन अपना कहिंदी आ कि ये दोषी नहीं, वो फाइल का हिस्सा ने। एक सैकंड उन्हां दा पहला कर लो फिर तुहाडा सुणदे आं। हांजी नहीं अकाली दल नूं करन दी कोशिश करनगे। देखो मैं तुहानू इक गल दसां, एक गल बिल्कुल तुहाड़े छेती पल्ले पै जू, कूड़न खुट्टे नानका ओड़ सच रही, आ मचोर मोरी तां पहलां ही रह गई ना जी, जिहड़ी इन्हां दीआं प्रोसीडिंग होईआं वो प्रोसीडिंग च लिखिआ गिआ सी सीक्रेट मीटिंग आ गई ना बाहर। इन्हां ने आपदे जाणे पंजाब भवन नहीं की, पुलिस हैडक्वाटर नहीं की, CM रेजीडेंस नहीं की, कि आले दुआले कोई ना कोई फिरदा हुंदा, गवर्नर हाउस के गैसट हाउस कर ली। 22 तरीक वाली मीटिंग 2 दिन 3 दिन बाद आ गई, 4 दिन बाद आ गई, ये होना नहीं। हुण तुहानूं मैं ये भी दस देना कि जेडे उत्थे डिस्कशन होए उहदे च आ भी तुहानूं मैं दसता, प्रेस से दसता, ऑन रिकॉर्ड दसता कि वह रजिंदर कौर तो बयान ये की कहाउणा चाहुंदे ने कि सुखबीर सिंह बादल वह भगौड़िया नूं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्सपरेसी विच सुखबीर सिंह बादल है कि यह दसना पऊ सरकार नूं कि 5 साल तुहानूं आए नूं हो गए, तुहातों भगौड़े फड़े क्यों नहीं गए, तुसी दसो। जवाब तो सरकार नूं देना पऊ। अगे तो सानू कह दिंदे सी ना कि दिल्ली तुहाडी सरकार है, पर जब CBI ने रिपोर्ट दिती है CBI नूं हुण ये कंडेम क्यों नहीं करते, CBI ते कार्रवाई क्यों नहीं करते, दस आ पुछो, तुसी पुछो। हुण गरवाल साहब तुसी क्या कि ये साजिश कीती जा रही है, कोई भी जिहड़ी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हुंदी है ओपन टू द स्क्रूटनी ऑफ कोर्ट हुंदी है, तां जिहड़ी कुंवर विजय प्रताप ने इन्वेस्टिगेशन कीती सी ओह वी जदों कोर्ट च आई तां टिक नहीं पाई, ते जे हुण वी ये कॉन्सपिरेसी हो रही है तां तुहानूं लगदा जिहड़ी फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस है अदालत सजा हो जू, बंदा कोई मर्डर कर रहा आई शुड नॉट ट्राई टू सेव हिम के इहनूं तां कतल जी सजा हो जूगी। सार साहब यही तो रौला पा रहे हैं, यही तो जुरौला पा रहे हो कि पाप कमा रहे हो सर जी, ना कमाओ। मैं एक तो गल दसा, नहीं सौखी नहीं होंगी। नहीं मैं एक जवाब देना चाहना, सारी प्रेस बैठी आ, बड़ा तुम ये ना समझो भी असी इस गल ते कहने भी साढ़े अकाली दल ते कोई इंटैगल हो जू, असी बड़े क्लीयर हाँ, सानू विश्वास है इस देश के कानून ते सिस्टम ते, सानू 100% विश्वास आ भी आयता नहीं तो विरोधी एक दूजे को खत्म कर देंगे, घर च बिठा देंगे। ये देश जिहड़ा चल रहा कोई सिस्टम के तहत चल रहा, विधान कानून अदालत अगे परमात्मा, पहला तो सानू इस गल का इस सिस्टम से विश्वास आ, कानून विधान से विश्वास आ,
अदालतां भी नोटिस लैणगियां फिर सानू परमात्मा ते विश्वास आ। सो इहदे च कोई शक नहीं मतलब सानू इस नहीं भी इनवॉल्व करनगे, पर सानू इस गल दा जिहड़ा अज साडा कहण दा मतलब आ अज असी इह सरकार नू दुनिया दे विच लोकां दे कटहरे च नंगा करना चाहुंदे आ कि किस नीचताई तक किस नीवे पद्धर तक यह सरकार हाथ पैर मार रही आ अपने गवाए हुए आधार नू बहाल करन लई। पर साडा कहण दा मतलब आ भी जे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का जिहड़ा मैं पहला भी जवाब दिता सी ये मामला लटकिया, ये लटकन का बड़ा कारण ये होया कि इन्हां लोकां ने राजसी लाहा लैण लई इस मंदभागी घटना नू वरतण दा यतन किया और उहदे चों फायदे लैण दे यतन किते। जे फायदे लैण दे यतन ना किते हुंदे राजसी लाहा खट्टण दी गल ना कीती हुंदी तां अज नू दोषी कटहरे विच होणे सी, सज़ा भुगत चुके होणे सी। पर इन्हां दीआं राजसी लाहे लैण दीआं चालां ने इहनूं दूर कीता। आ जिहड़ी असीं तुहानूं कहानी सुनाई आ इह साज़िश सुनाई आ इस करके आ भी अजे भी उस सोच 'च लगे होए ने, अजे भी उस दौड़ 'च लगे होए ने। मैं जवाब देना है, मैं तुहानू पहला भी दिता है, मैं सवाल है मैनू तुसी सीधा रणवीर सिंह खट्टड़ा नू पुछ लो कि जे अकाली दल तो इनफ्लुएंस सीगे तां उन्होंने अपना बेटा सतवीर सिंह खट्टड़े नू उस वेले पार्टी तो रिजाइन करा के क्यों नहीं पासे कीता। एक सैकेंड, ये सिट इस कॉन्सपरेसी शामिल होने तो पहला वो तो अस्तीफा क्यों दवाया अकाली दल तो, जब कॉन्सपरेसी स्टार्ट हुई सर साहब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब कॉन्सपरेसी स्टार्ट हुई उदो उन्हें कहा कि ये हुण बड़ा औखा होजू मुंडा अकाली दल च फिरू, मैं उधर चढ़ गया गड्डी, मैनू उधर जिस दिन आर टी आई कमीशन का मैंबर लाउणा है अगले पुछणगे कि चन्नी ने किवें लाता है अकाली दल ने वेले ना लग्या। नहीं उन्हें नहीं उन्हें नहीं उन्हें आप नहीं उन्हें एक मिनट गल तुसी अपना जवाब पूरा ले लो ना बेटा, जवाब पूरा पूरा जवाब ले लो। देखो थोड़ा जवाब तो इस गल से मुक जाता, खट्टड़ा साहब ने पब्लिकली कहा भी उस समय की सरकार ने कोई दखलअंदाजी नहीं दी, कहा कि नहीं दी। मैं कहना वो तो उन्होंने पूछो वो दसन असं कहने भी तुसी क्लीयर कट पब्लिकली कह चुके हो भी उस समय की सरकार ने कोई प्रेशर नहीं पाया, मतलब ये तो थोनू तसली होनी चाहिए आ। बाकी नहीं एक एक पॉइंट एक सैकंड जी एक सैकंड इन्हें मैं गल करता, एक स्टैबलिश ला आ कि जेडे इनवैसटीगेटर कोई भी इनवैसटीगेशन कर रही है कोई भी सिट हैगी है उहदे उहनू कोई भी इनफ्लुएंस नहीं कर सकता, ना होम मिनिस्टर नू वो आंसरेबल हैगी है ना ईवन उहदे सुपीरियर अफसर नू। जस्टिस शरावत ने जिहड़ा कुंवर विजय प्रताप वाले केस दे विच वी जजमेंट दित्ती है उहदे च उन्होंने क्लीयर कट कहा कि सवाए कोर्ट के मजिस्ट्रेट तो अलावा ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਆ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹੱਥ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਲਾਅ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਓ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਆ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਘਟਨਾ 2017 ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਾਵਤ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਾਵਤ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਟਰ
कि जस्टिस जोरा सिंह की रिपोर्ट नवंबर में बादल साहब ने चीफ सैकटरी ऑफिस फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन भेजती एंड 7 दिन बाद होम सैकटरी वालों उस वेले दे डीजीपी नू चले गए सी फॉर फॉलो अप एक्शन। दूसरी जड़ी इन्वेस्टिगेशन सी जड़ियां जत्थेबंदियां बैठियां सी उत्थे कांग्रेस प्रधान प्रताप सिंह बाजवा केजरीवाल राहुल गांधी सब की डिमांड सी कि अकाली दल की सरकार है सानू जस्टिस की उम्मीद नहीं सीबीआई को चले जाओ। 23 दिन में इन्वेस्टिगेशन नहीं सी हो सकती इन्हों तो 7 साल च नहीं हुई सातों तुम 23 दिन च रिपोर्ट एक्सपैक्ट कर दो 23 दिन तो बाद सीबीआई को चले गई। सुन लो गल फिर उत्थे सीबीआई को जद प्रभो चंद्र जी चिट्ठी लिख दे कि तो बिना तफ्तीश किसे तो नहीं हो सकती तो 4 साल च प्रभो चंद्र जी तो एक्शन की लेंगे ने विरोधियां नहीं सरदार साहब सरकार अज सरकार है उस वे विरोधी सी। जस्टिस इज नॉट ओनली टू बी डन बट इट शुड बी फेल्ट दैट इट्स बीइंग डन। हां दसो तुसी भी दसो हां गवर्नर हाउस इज नॉट पार्ट ऑफ द सरकार। सुनो मेरी गल सुनो नहीं कैबिनेट कैबिनेट मीटिंग सिट की मीटिंग का एक ना मिलाओ ना दोनों सार साहब तुसी बड़े सीनियर हो कैबिनेट मीटिंग डोंट कंपेयर इट विद द सिट प्रोसीडिंग्स एंड जी दे विच 4 प्राइवेट बंदे रिटायर होए हुए बंदे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। असि उत्थे मेमोरेंडम देने जांदे सी ना पिछले गवर्नर नू बदनौर नू तो सानू चाह भी पिया के कहंदा सी कि बाहर तक छड्डन आंदे सी गेट दे कि अंदर ना बैठे रह जाण। स्पेसिफिक इस मसले च स्पेसिफिक तौर ते कोर्ट ने हिदायत कीती डायरेक्शन दित्ती भी किसी नु जवाब दे नहीं होगी सिट। अग्रवाल साहब ये कहानी जो आप बता रहे हैं आपने खुद ही कहानी कहा मैं वही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये कोर्ट में टिकेगी आपको लगता है अब पर्दा फाश हो गया हुण तां इह मूंह लुकाउणा औखा हो जू बल्कि असीं तां इस हद तक भी जावांगे जे ना इन्हां ने कोई जवाब दिता असीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नूं भी मिलांगे कि सिस्टम नूं बचाओ। अज जरूरत तां सिस्टम नूं बचाउण दी आ अज जे हुण पोलिटिकल पार्टियां सरकारां मुख मंत्री आपे अदालतां बन के मंत्री आपे फैसले सुनाउण लग जाण फिर इह लोकराज किवें बचेगा। अज सिस्टम लोक सिस्टम नूं बचाउण दी आ लोड़ जे मतलब इन्होंने किसी पास ना जे असी ताही मंग की जे मीटिंग दे हाजिर अफसर साहबान से भी तुसी उस सिस्टम का हिस्सा जे तुसी स्पष्टीकरण दिता मुख्यमंत्री साहब देन भावें ना देन पर अफसर साहबान इन्हों देना पेगा नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक असी पहुँच करांगे भी सिस्टम नूं बचाओ नहीं कलैप्स हो जाएगा सिस्टम।